Horizon Tech for You के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि SSHD यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव क्या है, उसका इन्वेंशन क्यों और कैसे हुआ, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि SSHD कैसे वर्क करती है और एक नॉर्मल यूज़र के लिए SSHD के क्या क्या एडवांटेजेस है। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सो स्टिक अराउंड गाइस। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SSHD यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, जो कि कॉम्बिनेशन है ओल्ड स्कूल मैकेनिकल ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव एंड न्यू स्कूल SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नए प्रकार की हाइब्रिड ड्राइव तैयार की गई है जिसे कहते हैं SSHD यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। हम ये समझेंगे कि SSHD का इन्वेंशन क्यों और कैसे हुआ, उसके बाद SSHD कैसे वर्क करती है और एक नॉर्मल यूज़र के लिए SSHD के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन SSHD को सही से समझने के लिए आपको जो ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है वो क्या है, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव HDD वो क्या है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे वर्क करती है, वो पता होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। और जो न्यू स्कूल SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वो कैसे वर्क करती है, उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आपको SSHD सही से समझ में आएगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये पता नहीं है तो पहले आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे Horizon Tech for You का SSD Explained वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको समझाया है कि SSD क्या है, वो कैसे इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र रेट्स प्रोवाइड कर पाती है, और हमारा जो पिछला स्टोरेज सॉल्यूशन था यानी कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव ओल्ड स्कूल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, उसमें ऐसी क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमें SSD जैसा एक न्यू स्टोरेज सॉल्यूशन इन्वेंट करना पड़ा। तो इस वीडियो को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, क्या थी, उसमें क्या क्या लिमिटेशन थी, और उसके बाद जो नया स्टोरेज सॉल्यूशन अभी हमारे पास उपलब्ध है जिसको कहते हैं SSD, वो क्या है, वो कैसे इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर रेट्स प्रोवाइड कर पाती है, उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेज, तो उसको समझने के बाद ही आपको SSHD सही से एक्यूरेटली समझ में आएगी। तो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ओवरऑल शॉर्ट में बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो सबसे पहले हमारे पास एक ही स्टोरेज सॉल्यूशन अवेलेबल था जो हमारी ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव थी वो। तो हार्ड ड्राइव का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सस्ते रेट्स में अवेलेबल हो जाती है, और जो स्पेस है, जो डेंसिटी है, कैपेसिटी, वो भी बहुत बहुत अच्छी मिल जाती है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए मोर देन इनफ है ऐसे जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसकी कैपेसिटी। तो अभी अगर मार्केट में आप लेने जाओगे तो 6 to 8 TB तक की भी हार्ड डिस्क ड्राइव आपको अवेलेबल हो जाती है, तो ये एक हार्ड डिस्क ड्राइव का बहुत अच्छा एडवांटेज है। लेकिन एट द सेम टाइम हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, उसका एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से उसमें इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र रेट्स नहीं मिल पाता, इतना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम नहीं है उसका, प्लस जो उसकी लाइफ टाइम है वो भी बहुत कम है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक नए प्रकार का स्टोरेज सॉल्यूशन इन्वेंट किया गया जो सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे SSD कहते हैं। वो SSD है वो बिल्कुल हार्ड डिस्क ड्राइव से टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसमें सारा का सारा डेटा फ्लैश चिप्स में स्टोर होता है, जो NAND फ्लैश मेमोरी होती है, जैसी मेमोरी आपकी रैम में और आपकी पेन ड्राइव्स में आपके मेमोरी कार्ड्स में होती है, वैसी ही मेमोरी, उससे कहीं ज़्यादा फास्ट मेमोरी में ये सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। तो वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में होती है, इसलिए उसको कहते हैं SSD। उसमें ऐसा कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई पार्ट्स नहीं होते, तो इसमें बहुत अच्छा डेटा ट्रांसफर रेट्स मिलते हैं, रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है, और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि ये जो SSD है वो अभी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में, इतनी ज़्यादा डेंसिटी में अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर आपको लार्ज साइज़ SSD चाहिए तो नहीं मिलेगी। अभी मार्केट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 TB तक की SSD अवेलेबल है, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप एक 1 TB की हार्ड ड्राइव अगर परचेस करने जाओगे तो राउंड अराउंड इंडियन रुपीज़ में आपको 3000 के आसपास मिल जाएगी। लेकिन 1 TB की SSD अगर आप परचेस करने जाओगे तो वो आपको 30 से 35,000 के बीच में मिलेगी सेटा बेस्ड SSD, और जो PCI एक्सप्रेस बेस्ड SSD है वो 1 TB की, वो तो 1,00,000 से ऊपर है, उसके प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा हाई है।
तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों जो स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों आर्किटेक्चर है, इनको ध्यान में रखते हुए एक नॉर्मल यूज़र के लिए, अगर एक नॉर्मल यूज़र है उसको अगर अभी एक पीसी बनाना है या पीसी असेंबल करना है, तो उसकी जो इंटायर सिस्टम होती है उसका बजट होता है 50 to 60,000। उसमें वो कहाँ 30 से 35,000 की 1 TB की SSD लगवाएगा और परफॉर्मेंस अचीव कर पाएगा। तो इसी के लिए अगर एक नॉर्मल यूज़र को एक SSD का परफॉर्मेंस भी चाहिए और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी चाहिए, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक नए प्रकार की टोटली न्यू आर्किटेक्चर वाली एक ड्राइव तैयार की गई, जिसमें फोरग्राउंड में एक SSD होती है, स्मॉल साइज़ SSD, और बैकग्राउंड में लार्ज साइज़ हार्ड डिस्क ड्राइव, ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होती है। तो फिजिकली तो ये एक ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर ये दोनों होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई ड्राइव तैयार की गई, जैसे कहते हैं SSHD, यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। तो इसके बैकग्राउंड में जो SSD रहती है वो स्मॉल साइज़ होती है, और ये स्मॉल साइज़ होने की वजह से ही जो सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव है उसके प्राइसेज इतने ज़्यादा नहीं होते SSD के जितने। तो ये डिपेंड करता है जो उसका मॉडल होता है उसके ऊपर, 8 GB से लेके 120 GB तक की SSD फोरग्राउंड में होती है, जो कि सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र इसके थ्रू ही होता है, और जो साइज़ के लिए, कैपेसिटी के लिए, उसके बैकग्राउंड में एक लार्ज साइज़ हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, वो डिपेंड करता है मॉडल पर, 1 TB से लेके 6 TB तक की भी हार्ड डिस्क ड्राइव इसके बैकग्राउंड में होती है। तो ये ऐसे ही एक पूरी एक ड्राइव है जिसमें आपको SSD का परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा और हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी भी मिल जाएगी। ये तो हो गई उसकी बात का, इसका इन्वेंशन क्यों और कैसे हुआ। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है और इसमें आपको कैसे परफॉर्मेंस मिल पाएगा। जो नॉर्मल एक यूज़र होता है वो क्या ऐसा, जैसे ये ऐसा कोई वीडियो देख के, इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो देख के ये परचेस कर लेता है, लेकिन उसके बाद आर्ग्यू करता है कि नहीं यार, वही हार्ड डिस्क वाली स्पीड मिल रही है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लोगे और सही समझ लोगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि SSHD कैसे वर्क करती है, और उसके बाद अगर आप परचेस करोगे तो ये आर्ग्यूमेंट आप नहीं करोगे कि ये वर्क नहीं कर रही है। तो हम ये समझ लेते हैं पहले कि SSHD कैसे वर्क करती है। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसके अंदर, और एक SSD होती है फोरग्राउंड में, तो अगर आप इसमें डेटा स्टोर करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको बूट ड्राइव बनाया है, यानी कि इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, आपने इसको विंडोज़ इंस्टॉल करके इसको सी ड्राइव बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, तो जो इसमें फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाली फाइलें होती हैं, जो फाइलें फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तब तो आपको हार्ड डिस्क वाली ही स्पीड मिलेगी। इसीलिए जो एक नॉर्मल कंज्यूमर होता है वो आर्ग्यू करता है कि यार स्पीड नहीं मिल रही है। तो जैसा SSD में होता है कि SSD आप लगाओगे और वो आपको एक क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, फर्स्ट टाइम में ही आपको एक वो परफॉर्मेंस मिलता है तो वो आप फील करते हो, तो SSHD में ऐसा नहीं होगा। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करोगे उस पर विंडोज़, तो जो सारी विंडोज़ की जो जब बूटिंग होगी, पहले फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ऐसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होगा, इसमें जो सारी बूट फाइलें होंगी, यानी कि अगर आपने पहले तो बूटिंग प्रोसेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर क्लिक करके ये पूरा वीडियो देख लीजिए, बूटिंग प्रोसेस क्या है और उसमें क्या क्या होता है। तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसमें जो कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसकी जो बूट फाइलें होती है, जो नेसेसरी बूट फाइलें जिसको कंप्यूटर लोड करता है, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब रैम में जो फाइलें लोड होती है उसको कहते हैं बूट फाइलें। तो वो जो सारी बूट फाइलें हैं वो फर्स्ट टाइम उसमें लोड होगी, सेकंड टाइम लोड होगी, थर्ड टाइम लोड होगी। तो ऐसे ऐसे होते होते जो ये SSHD है उसका जो कंट्रोलर होता है, जो कंट्रोलर जो होता है, जो कि ये सारा डेटा मैनेज करता है कि ये जो कौन सी फाइलें SSD पे रहेगी और कौन सी फाइलें हार्ड ड्राइव पे रहेगी, और उसके अलावा भी जो सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं जो कंट्रोलर होता है जो मैनेज करता है, वो थोड़े टाइम के बाद इसको एनालाइज करता है और उसे जो फाइलें फ्रिक्वेंटली यूज हो रही होती है उन फाइलों को उठा के SSD वाले पोर्शन पे वो प्लेस कर देता है फिजिकली भी। तो इससे क्या होता है कि जो बूट फाइलें होती हैं उसको इतना डेटा ट्रांसफ़र रेट चाहिए होता है, यानी कि जब आप नॉर्मल हार्ड ड्राइव से किसी सिस्टम को बूट करते हो तो उसमें जितना टाइम लगता है उसमें डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो स्लो डिवाइस है और SSD बहुत ही परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है, उसमें परफॉर्मेंस मिलता है। तो जो सारी बूट फाइलें होती हैं वो सारी की सारी वो उठा के कंट्रोलर रख देगा SSD वाले पोर्शन पे, जितना भी SSD का पोर्शन होगा वहाँ पे उस पे प्लेस कर देगा, और जो बाकी की जो फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती, जो रेयर फाइलें होती हैं जो इतना यूज़ नहीं होती, उसको वो हार्ड डिस्क वाले पोर्शन पे ही रहने देगा।
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें जो परफॉर्मेंस है वो फील करोगे। SSD की तरह आपको स्नैपी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा उसमें इंस्टेंट, जैसे लगाया और कंप्यूटर फास्ट चलने लगा, ऐसा नहीं होगा। तो SSD के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। इसी के लिए ही ये बनाई गई है ताकि एक नॉर्मल जो यूज़र होता है उसको SSD का परफॉर्मेंस भी मिल पाए और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी मिल पाए और एट द सेम टाइम उसको इतना पे भी ना करना पड़े, क्योंकि 1 TB की अगर आप SSD जो मैंने पहले ही जैसे बताया 30 to 35,000 एक नॉर्मल यूज़र के लिए मोर देन इनफ है। इतना वो इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पूरे सिस्टम का बजट ही 50 to 60,000 के आसपास कहीं होता है। तो 50-60,000 में 35,000 की SSD ले लेगा तो बाकी के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ से लेगा। तो ये इन सारे रीजंस को ध्यान में रख के ही ये जो हाइब्रिड ड्राइव है उसका इन्वेंशन किया गया है। तो हाइब्रिड ड्राइव के साथ आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जो फाइलें आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते होंगे वो सारी फाइलें वो जो SSD पोर्शन पे आ जाएगी, ये डेफिनेटली आप मैन्युअली नहीं कर सकते, ये जो कंट्रोलर होता है वो करता है, आप उसको नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर इसको बूट ड्राइव बनाई है और वैसे SSD या SSD जो भी है, ये जो सारी परफॉर्मेंस की जहाँ पे बात होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही होती है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो सारी फाइलें हैं उसको ही इतना बैंडविथ की, इतना डेटा ट्रांसफर रेट्स की डिमांड होती है, जैसे मैंने SSD वाले वीडियो में समझाया है। जो सारी नॉर्मल फाइलें होती हैं जो हम यूज़र क्रिएट करते हैं, हमारी जो डे टू डे वर्क की फाइलें, उसको इतना ज़्यादा बैंडविथ, इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर रेट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हार्ड ड्राइव उसके लिए मोर देन इनफ है अभी के लिए। तो अगर आप अपने सिस्टम में SSD लगवाते हैं तो आपको SSD का परफॉर्मेंस भी मिलेगा और हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी भी मिलेगी और वो भी एक नॉर्मल रेट पे जो आप अफोर्ड कर पाओ। तो अभी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये SSD सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव बना रही है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीगेट है जो हमारी जानी पहचानी कंपनी है जो बरसों से हार्ड ड्राइव मैन्युफैक्चर करती है, उसने भी अपना एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया है जिसको वो लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। जो WD है वेस्टर्न डिजिटल, उन्होंने भी अपना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ड्यूअल स्क्वायर ड्राइव है, ब्लैक ड्राइव, वो भी उनका ऐसा ही प्रोडक्ट है। इसके फोरग्राउंड में 120 GB की SSD होती है और बैकग्राउंड में 1 TB से लेकर 6 TB तक की हार्ड ड्राइव होती है। और जो एप्पल है, एप्पल की फ्यूजन ड्राइव, अगर आपने फ्यूजन ड्राइव के बारे में सुना होगा तो वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है इंटेल की। इंटेल का जो Z68 चिपसेट जब लॉन्च हुआ था उसके साथ एक नई टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की गई थी जिसे कहते हैं SRT, यानी कि स्मार्ट रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो इंटेल की स्मार्ट रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी है इसी पे बेस्ड है यह पूरा कॉन्सेप्ट और इसी पे बेस्ड है सारी की सारी ड्राइव्स जो डेवलप की गई है। तो SRT क्या है ये सब तो हम फ्यूचर में समझेंगे, मैं उस पर पूरा डिफरेंट एंटायर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया मैंने नॉलेज के लिए कि ये इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ऐसा करने से SSD में आपको दोनों का एडवांटेज मिल पाएगा, जो दोनों भाई हमारे पास दोनों जो बोथ वर्ल्ड्स है, एक ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव जिसमें आपको इतना अच्छा कैपेसिटी मिल जाती है, साइज़ मिल जाती है विथ चीप रेट्स, और जो SSD है जिसमें इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाता है लेकिन उसका प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, अभी इसके सेकेंड स्टेज पे है। तो जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप होंगे ऐसे ऐसे SSD भी नॉर्मल रेट्स पे मिलने लगेगी, लेकिन जब तक SSD नॉर्मल रेट्स पे नहीं अवेलेबल हो जाती तब तक हमारे पास अभी ये तीसरा स्टोरेज सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। पहले तो क्या हमारे पास एक ही स्टोरेज सॉल्यूशन अवेलेबल था, हार्ड डिस्क ड्राइव, ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, उसके बाद SSDs आई, लेकिन SSDs जो है वो एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत ही हाई प्राइस होती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ही ये तीसरा स्टोरेज सॉल्यूशन भी इन्वेंट किया गया जिसको आप एज अ ऑप्शन ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप अपना कंप्यूटर असेंबल कर रहे हो या परचेज करना चाहते हो तो ये जो तीसरा ऑप्शन है उसके बारे में भी आप सोच सकते हो, उसको एक सेकंड थॉट दे सकते हो कि ये भी आप अगर लगवा सकते हो आपके केस में शायद ये एडवांटेजियस रहे। और ये मेरा वीडियो बनाने का जो रीज़न था वो भी मेन इंटेंशन यही था कि मैं आपको समझाऊं कि अभी हमारे पास ऐसा तीसरा स्टोरेज सॉल्यूशन भी अवेलेबल है जिसको जो एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए शायद सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप अगर अभी सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी तरफ से थम्स अप है आपके लिए, आप अपने सिस्टम में ये ड्राइव लगवा सकते हैं, आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे पूछ सकते हो। और इस वीडियो के दौरान मैंने जितने भी वीडियो के रेफरेंसेज आपको दिए हैं उन सब की लिंक्स मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पेस्ट की है, तो उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके भी आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर वीडियोज जस्ट लाइक दिस वन।
I'll definitely see you in my next video. So till then, take care guys. Thank you so much.